हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। और दोस्तों, यदि आपकी बैटरी भी आपके इन्वर्टर से चार्ज करने पर ओवरहीट हो रही है तो फ्रेंड ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और वीडियो में एंड तक बने रहना है। तो ये स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारी बैटरी ओवरहीट क्यों हो रही है। देखिए फ्रेंड, हमारी बैटरी ओवरहीट होने के तीन मेन रीज़न है। देखिए फर्स्ट रीज़न है कि आपकी बैटरी का जो चार्जिंग करंट है उसको बहुत ही ज़्यादा करंट दिया जा रहा है। तो आपकी बैटरी यदि बहुत ही हाई करंट से चार्ज होगी तो वो हीट होगी। दूसरा रीज़न कि जो आपकी बैटरी है वो बहुत ही ज़्यादा पुरानी हो चुकी है, लगभग 5-6 साल हो चुके हैं। तो उसमें कोई ना कोई इसका एक सेल डैमेज हो चुका है। तो सभी सेल चार्ज होने के बाद बैटरी का फुल चार्ज वोल्टेज 14.4 होता है। बट फ्रेंड, यदि आपका एक भी सेल डैमेज हो गया तो आपकी बैटरी को आप सुबह से शाम तक लगाओगे तब भी वो फुल नहीं होगी, क्योंकि उसका वोल्टेज कभी 14.4 होगा ही नहीं। क्योंकि एक सेल क्या है फ्रेंड, उसका डैमेज हो गया है तो उस सेल का वोल्टेज हटाने के बाद जो बैटरी का फुल चार्ज वोल्टेज है वो 13.3 या ऐसे जो भी हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग फ्रेंड, हमने जो बैटरी का चार्जिंग वोल्टेज है बल्क जो उसका फ्लोट वोल्टेज है वो हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड, यहाँ पर आपकी बैटरी बहुत ज़्यादा ओवरहीट हो जाएगी। यदि बहुत पुरानी बैटरी, एक भी सेल डैमेज हो गया तो आप रात भर चार्ज लगाओगे तब भी आपकी बैटरी फुल चार्ज नहीं होगी, क्योंकि आपके इन्वर्टर ने मान रखा है कि आपकी बैटरी का फुल चार्ज वोल्टेज 14.4 है। तो फ्रेंड, ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कस्टमर के साथ रहती है कि उनके लाइट का बिल भी बढ़ जाता है, कंटिन्यू बैटरी चार्ज होती रहती है और कभी वो फुल नहीं हो पाती है और बहुत ज़्यादा ओवरहीट होती है बैटरी उससे, और हमारा और कंटिन्यू एम्पियर लेती रहती है तो उससे हमारा लाइट का बिल भी बढ़ जाता है। और देखिए, तीसरा रीज़न है बैटरी ओवरहीट होने का कि जो हमारे बैटरी के टर्मिनल है वो प्रॉपरली क्लीन नहीं किए हुए हैं। अगर तो फ्रेंड देखिए, इन सब का मैं सॉल्यूशन बता, सबसे पहले हम बात करते हैं बैटरी टर्मिनल की। तो फ्रेंड देखिए, जब भी आपकी बैटरी लो बता रहा है, जबकि आपकी बैटरी फुल चार्ज है फिर भी बैटरी लो बता रहा है, तो फ्रेंड आपको क्या करना है, जो आपके बैटरी के टर्मिनल है उनको अच्छे से साफ़ करना है, जो भी सैंड पेपर है उसे अच्छे से साफ़ कर देना है और बैटरी के दोनों टर्मिनल को, और वहाँ पे अच्छी तरह वायर लगा देना है ताकि जिससे कि बिल्कुल भी वहाँ पे कार्बन ना रहे और आपकी बैटरी बिल्कुल प्रॉपर वोल्टेज दिखाए हमारा इन्वर्टर, वरना आपका इन्वर्टर वोल्टेज बहुत कम दिखाएगा अगर उस पर कार्बन जमा हुआ है। सेकेंड हमने रीज़न बताया था कि ओवर चार्जिंग करंट। तो फ्रेंड देखिए, आपके पास यदि UTL गामा प्लस है, वैसे नॉर्मली इन्वर्टर आता है उसमें 10 एम्पियर या 15 एम्पियर आता है ग्रिड चार्जिंग करंट। यदि सोलर से आप चार्ज कर रहे हो तो वहाँ पे भी फ्रेंड देखिए, आपकी बैटरी C20 या C10 है, उसके अकॉर्डिंग जो भी कंपनी ने मैक्सिमम करंट रेटिंग दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आपको करंट को एडजस्ट करना पड़ेगा। UTL गामा प्लस में आप इजीली एडजस्ट कर सकते हो। और यदि कभी हो सकता है कि आपके इन्वर्टर ख़राब हो गया हो, बहुत ज़्यादा करंट से बैटरी को चार्ज कर रहा हो, तो उससे हमारी बैटरी के सेल भी डैमेज होते हैं और बैटरी ओवरहीट होती है। लास्ट रीज़न कि आपकी बैटरी बहुत पुरानी हो चुकी है, तो उस समय क्या करना है फ्रेंड, जब भी आपकी बैटरी का एक भी सेल डैमेज हो जाएगा तो वो कंटिन्यू चार्ज होती रहेगी, कभी फुल चार्ज नहीं होगी और बहुत ज़्यादा ओवरहीट होती रहेगी, हमारी लाइट का बिल बढ़ाएगी। तो फ्रेंड, उस कंडीशन में आपको क्या कर देना है कि आपकी बैटरी का फ्लोट वोल्टेज और जो बल्क वोल्टेज है उनको कम कर देना है, तो आपकी बैटरी बिल्कुल भी हीट नहीं होगी और आपकी बैटरी का जो वोल्टेज है, आपकी बैटरी ओवरहीट नहीं होगी, साथ में फुल चार्ज भी हो जाएगी। यदि फ्रेंड आपके पास UTL गामा प्लस है तो वहाँ पे आप इजीली सेट कर सकते हो। यदि आपके पास इसके अलावा कोई भी एक नॉर्मल इन्वर्टर है तो वहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको ट्यूबलर बैटरी की जगह फ्लैट बैटरी सेलेक्ट करके और उस मोड पे हमारी जो ट्यूबलर बैटरी है जो 5-7 साल पुरानी है उसको चार्ज कर सकते हैं, तो वहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपकी बैटरी आराम से चार्ज होगी। तो फ्रेंड, ये हमारा वीडियो स्पेशली था कि बैटरी ओवरहीटिंग के लिए। प्लीज़ फ्रेंड, आपको अगर यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। थैंक यू सो मच। और ऐसे नए नए वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ इस चैनल पर। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।